नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, आज हम आए हैं माता शाकंभरी के शक्तिपीठ में। जी हाँ, उदयपुर वाटी कस्बे से 15 किलोमीटर दूर अरावली की पहाड़ियों के बीच सिद्ध शक्तिपीठ माँ शाकंभरी का प्राचीन मंदिर देश दुनिया में अपना अलग ही स्थान रखता है। यहाँ माँ शाकंभरी रुद्राणी और ब्रह्माणी के रूप में विराजमान है। तो आइए आज हम इस मंदिर का इतिहास जानते हैं और करते हैं माता रानी के इन पावन नवरात्रों में सुंदर दर्शन। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज हम आए हैं शाकंभरी के मंदिर में, माता शाकंभरी का मंदिर जो कि उदयपुर वाटी में स्थित है। दोस्तों, इस मंदिर में देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। नवरात्र में 9 दिन तक यहाँ श्रद्धा उमड़ती है। दोस्तों, यहाँ पर नवरात्रि के दिनों में ही माता के मंदिर में जात जडूला वाले भी आते हैं। जी हाँ, इसके अलावा नवरात्र में माता के दरबार में जगह जगह सतचंडी अनुष्ठान भी किए जाते हैं। अब हम जानते हैं इस मंदिर का रोचक इतिहास। दोस्तों, मंदिर के महंत के अनुसार शाकंभरी माता कितना प्राचीन है इसका कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है, किंतु माता मंदिर के दीवार पर लगी पट्टिका में संवत 751 में तत्कालीन शासकों की ओर से मंदिर का जीर्णोद्धार करवाए जाने की जानकारी जरूर अंकित है। जी हाँ दोस्तों, माता का मंदिर इतना ख्याति प्राप्त है कि यहाँ पर बड़े बड़े राजनेता और नेता भी माता के दर्शन करने के लिए आते हैं। दोस्तों, शाकंभरी माता के बारे में कहा जाता है कि देवयुग में जब भीषण अकाल पड़ा तो माता ने स्वयं शाक फल फूल के रूप में प्रकट होकर लोगों को भोजन दिया। तब से ही शाकंभरी देवी को भक्तों पर जल्दी कृपा करने वाली देवी बताया जाता है और माता को सूजी के हलवे का भोग प्रमुख रूप से लगाया जाता है। तो आइए हम करते हैं माता के सुंदर दर्शन। दोस्तों, अपने आप को मानसिक रूप से आप यही माता के दर्शन करता हुआ पाइएगा, आपको बड़ी ही शांति की अनुभूति प्राप्त होगी। दोस्तों, अगर इस मंदिर के बनावट के बारे में मैं बताऊं आपको, तो ये पूरा मार्बल से बना हुआ मंदिर है और इसमें सुंदर से नक्काशियां तथा कांच का कार्य किया गया है। अंदर से माता का जो दरवाजा है वो पूरा चांदी का है। बाहर आप देख सकते हैं कि बहुत सारी धर्मशालाएं बनी हुई हैं जिसमें देश विदेश से यात्री ठहरते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मंदिर के प्रवेश द्वार पे ही दो सिंह बने हुए हैं विशाल, जो चांदी के हैं। ये मंदिर का परिक्रमा मार्ग है। मंदिर के परिक्रमा मार्ग में ही शाकंभरी माता का भंडारा स्थित है और आप मंदिर की जो शैली देख सकते हैं, ये प्राचीन शैली है। ये भंडारा जो है ये 12 माह चलता है, जो मंदिर की प्रशासन की ओर से ही ये भंडारा यहाँ जारी रहता है। दोस्तों, यहाँ 9 दिनों तक, नवरात्रि के 9 दिनों में सप्तसती चंडी का आयोजन पाठ किया जाता है, जहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी धर्मशालाएं हैं। विदेश देश से जो सेठ या लोग आते हैं वो अपने रूम्स यहाँ बुक करवा लेते हैं। साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाहर बड़े बड़े ऊंचे अरावली पर्वत हैं। ये मंदिर फैलता जा रहा है आगे भी, ऊपर भी यहाँ पर बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं, लेकिन धूप है थोड़ा सा तो हम ऊपर नहीं जाएंगे। और बाहर आप देख सकते हैं कि बहुत सुंदर सुंदर दुकानें हैं जहां माता की चुनरी और प्रसाद आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि शाकंभरी माता जयपुर से करीब 100 किलोमीटर दूर सांभर कस्बे में है। शाकंभरी माता का एक और मंदिर है जो उत्तर प्रदेश के सराहनपुर जिले में है। शाकंभरी माता का मेला हर साल अश्विन नवरात्र में भरता है। शाकंभरी माता की जयंती मार्कंडेय पुराण के मुताबिक पौष महीने की पूर्णिमा को मनाई जाती है। शाकंभरी माता की पौराणिक कथाओं के मुताबिक एक बार पृथ्वी पर दुर्गम नाम का दैत्य आतंक मचा रहा था। तब पृथ्वी पर लगातार 100 साल तक बारिश नहीं हुई।
इस वजह से अन्न जल के अभाव में लोग मरने लगे। तब मुनियों ने मिलकर देवी भगवती की पूजा की थी, तब माता खुद ही शाकमूल के रूप में यहाँ प्रकट हुई। तो दोस्तों, ये एक ऐसा मातृ मंदिर है जहाँ दर्शन करने मात्र से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी की मनोकामनाएं पूरी हों। इसी के साथ राधे राधे।